महेंद्रगढ़ की डाडोत गांव में रहने वाले सुनील ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वाले दो युवकों से उलझना उसे इस कदर भारी पड़ जाएगा कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी वही टैक्सी चलाने वाले हैं जिन्होंने मामूली सी बात पर सुनील की हत्या कर दी और शव को निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेस वे के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में जतिन उमेश चंद को गुरुग्राम और दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो ये दोनों आरोपी किराए पर टैक्सी चलाने का काम किया करते हैं। मृतक सुनील कुमार इन्हें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर मिला था, जहां किसी बात को लेकर इनकी आपस में कहासुनी हो गई थी, जिस पर दोनों आरोपियों ने सुनील की हत्या कर दी। दिनांक 11 अप्रैल 2022 को ये बजेडा पुलिस स्टेशन के इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में एक नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिस पे चोट के निशान थे और उसके संबंध में हमने बजेडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करके 302-201 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इंस्पेक्टर अमन एसएचओ बजेडा के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए पहले ये चुनौती का सामना किया कि जो मृतक था उसकी पहचान करवाई जाए, जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान सुनील के रूप में हो पाई, जो थाना सतनाली के इलाके का रहने वाला था, डाडोत गांव का। और उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें काफ़ी टेक्निकल मदद के साथ बजेडा पुलिस ने काम करते हुए इसमें जो दो शामिल आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके नाम जतिन और उमेश चंद हैं, जो दोनों भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले हैं, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको पेश अदालत किया जा रहा है। जिन्होंने बतलाया पूछताछ पे कि हमने उसकी इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शराब पी के और वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात हुई थी, शराब पीने के बाद इनकी कोई आपस में बैठ के टूटने हुई, सिर्फ इसी बात को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम देके और डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया। इसके संबंध में हम आज कार्रवाई करते हुए और इसको पेश कर रहे हैं इन दोनों को कोर्ट में और आगामी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बहरहाल साइबर सिटी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने शहरवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। साइबर सिटी के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।